हनुमान छाप सिक्कों को चमत्कारी बताकर उसे दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ठग लिए गए। पैसा वापस न करने पर प्रार्थी ने मुकदमा दर्ज कराया। फरार आरोपी को 3 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के थाना बलौदा के खिसूरा पहरीपारा निवासी चतुर सिंह सूर्यवंशी को 3 वर्ष पूर्व हरिराम उर्फ गुरु कुर्रे और सुरेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू लहरे ने हनुमान छाप सिक्का दिलाने के नाम पर 6 लाख में सौदा किया। चतुर सिंह ने अपने रिश्तेदारों से पैसे एकत्रित कर दोनों को दिए। हरिराम और सुरेंद्र ने मिलकर चतुर सिंह से मिले रुपए छिपा दिए और बाद में सिक्का लाने का आश्वासन दिया, लेकिन वे सिक्का देने के नाम पर बहानेबाजी ही करते रहे। चतुर सिंह ने इसकी सूचना बलौदा पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध 420 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सुरेंद्र को तत्काल पकड़ लिया गया और पूछताछ में उसने बताया कि 3-3 लाख दोनों ने आपस में बांट लिए थे और अधिकांश पैसा शराब और मुर्गिया में खर्च कर दिया गया। दूसरा आरोपी हरिराम फरार हो गया था, जिसे बलौदा पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आज से करीबन 3 साल पहले हनुमान छाप सिक्का का लालच दिखाकर करीब 6 लाख की ठगी की गई थी, जिसमें खिसूरा निवासी के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। 3 साल तक लगातार एक आरोपी फरार था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। हरिराम कुर्रे निवासी मधईपुर को, जो रायपुर में छुपा हुआ था और गांव आया हुआ था, जिसे मुंबई सूचना पर घेराबंदी करके पकड़ा गया है। विधिवत धारा 420-34 भादवी के तहत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।